तो आज बिहार में जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार में। दरअसल जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में 5 घटक दल हैं बिहार के अंदर। कौन कौन है? बीजेपी है, जेडीयू है, इसके अलावा जो पारस चिराग पासवान जो बेटे हैं चिराग रामविलास पासवान के, उनकी पार्टी है, जीतनराम मांझी की पार्टी हम है और उपेंद्र कुशवाहा है। तो 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, 17 पर बीजेपी लड़ रही है, 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं, 1 सीट जीतनराम मांझी के खाते में गई है और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली है। ये पूरा समीकरण इन 40 सीटों का बिहार की, जिनमें से 16 पर जिन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है उस पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है जेडीयू ने। और जो उम्मीदवार तय किए गए हैं अब उनकी लिस्ट, उनके नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। भागलपुर से अजय कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, मंडल बांका से गिरधारी यादव, गोपालगंज से आलोक कुमार, सुमन जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, इसके अलावा 4 उम्मीदवारों के नाम नए हैं। शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, सिवान से राजलक्ष्मी कुशवाहा, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद, ये तमाम वो नाम हैं जो जेडीयू की लिस्ट में शामिल हैं। 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है पार्टी और 16 के 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं जेडीयू ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिस्ट जारी किया है, इसमें 11 6 पिछड़े वर्ग से और 5 पिछड़े वर्ग से, 11 नूतन प्रत्याशी पिछड़े और 9 पिछड़े वर्ग से, 1 महादल से है गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुना, 12 1 हमारे प्रत्याशी किशनगंज से है मुजाहिद आलम खान जो मुस्लिम समुदाय से है, और 3 अपर कास्ट के प्रत्याशी, टोटल 16 उसमें 2 महिलाएं। और पटना से हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस लिस्ट पर बातचीत करने के लिए। मनीष, 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट जेडीयू ने जारी कर दी, लिस्ट की हाइलाइट्स क्या हैं? लिस्ट की हाइलाइट अगर आप देखेंगे तो इसमें 16 में से जो 12 ऐसे उम्मीदवार हैं, यानी कि 12 निवर्तमान सांसद हैं जो पिछली बार 2019 में भी जीते थे और पार्टी ने इस बार भी उनके ऊपर, उनकी उम्मीदवारी के ऊपर भरोसा जताया है। नए नामों में जैसे सीतामढ़ी से पिछले बार सुनील पिंटू जो पिछली जाति से आते थे, तो अब उनके जगह पे विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद ठाकुर जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो उनको इस बार मौका दिया गया है। तो उसके बदले सिवान से जो पिछली बार सांसद थी कविता सिंह, वो राजपूत जाति से थी, तो उनकी जगह पिछली जाति के उम्मीदवार विजया लक्ष्मी देवी, जिनको कल ही पार्टी में शामिल कराया गया है, वो उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा नए उम्मीदवार में एक लवली आनंद है, जो आप जानते हैं कि लवली आनंद जो पूर्व सांसद भी रही हैं, एक बार वो वैशाली से सांसद 90 के दशक में जीती थी, उनके पति जो आनंद मोहन सिंह है जो जी कृष्णैया मर्डर केस में कन्विक्टेड हैं, उन्होंने 2 बार उस लोकसभा का प्रतिनिधित्व 96 और 98 में किया था और उसके बाद वो चुनाव वहां से हारे थे और वो एक नई उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कमोबेश सारे पुराने नाम हैं, जो किशनगंज की सीट है उससे से मास्टर मुजाहिद को दिया गया है जो कि पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं। तो पार्टी ने कमोबेश अपने नए पुराने चेहरों पे ही जो है कोई रिस्क नहीं लिया है जहां तक उम्मीदवारों की सूची का सवाल है, और सारे पुराने नाम पे ही अपना पांव खेला है। नए चेहरे में आप एक ही कह सकते हैं, वो है सिवान से विजया लक्ष्मी देवी और देवेश चंद ठाकुर पहली बार जो है जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे वो विधान पार्षद रहे हैं और हालांकि उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में अपना जोर आजमाइश किया था, लेकिन ये पहली बार वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं।